ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स। क्लास टेंथ में है हमारा डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर एच सी। तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग को नेचर ऑफ रूट्स मतलब उस रूट का नेचर क्या है वो बताना है। जैसे रियल रूट है, इमेजिनरी है, तो डिस्टिंक्ट है, अनइक्वल है, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो हम लोग आज देख लेते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, ये हमारे क्लास टेंथ में है, क्लास टेंथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें है हमारा नेचर ऑफ रूट। तो ये फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर डी का वैल्यू जीरो से ग्रेटर है, ठीक है, डी का वैल्यू जो भी लाएंगे हम लोग वो जीरो से ग्रेटर होगा और क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो उसका नेचर हम लोग क्या मानेंगे, उस रूट का जो नेचर होगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर होगा वो क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा या फिर अनइक्वल। ठीक है, सॉरी इक्वल, अनइक्वल, अनइक्वल, डिस्टिंक्ट रहेगा तो अनइक्वल। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ये नहीं पता है तो आप लोग इस चैनल के पेज में जाओगे तो आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब ए का वैल्यू हम लोग कंपेयर कर दिया, ए का वैल्यू कुछ भी नहीं है, वन है, बी का वैल्यू माइनस फोर है, सी का वैल्यू टू है। अब इसको हम लोग फॉर्मूला जो डिस्क्रिमिनेंट का है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी का वैल्यू माइनस फोर रख दिए, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का माइनस, फोर का फोर, ए का वैल्यू वन, सी का वैल्यू टू। अब इसको सॉल्व कर देंगे, फोर फोर जा सिक्सटीन, माइनस का माइनस, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, सिक्सटीन में से एट माइनस किए तो एट आया, विच इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब जो डी का वैल्यू आ रहा है वो जीरो से ग्रेटर है, एट बड़ा है जीरो से। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो। जब भी देखेंगे कि डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आया है तो उस रूट का जो नेचर है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट आया उसका नेचर क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट या फिर अनइक्वल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर देखोगे कि जो डी का वैल्यू आया है वो जीरो से ग्रेटर आया है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट या फिर अनइक्वल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नेचर वन। अब देख लेते हैं टू। अब हम लोग यहां पर हम लोग देखे थे वेयर व्हेन जीरो इज ग्रेटर, डी इज ग्रेटर देन जीरो। अब देखेंगे हम लोग, अब इक्वल होगा जीरो के। ठीक है, डी का वैल्यू इक्वल होना चाहिए जीरो के, तब हम लोग उसका जो नेचर है, उस रूट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, रियल एंड इक्वल। अगर डी से हमारा जो वैल्यू है, मतलब जो जीरो से अगर बड़ा आता है, जीरो से ग्रेटर आता है डी का वैल्यू, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, और अगर इक्वल आता है जीरो के तो रियल एंड इक्वल। इक्वल आया तो रियल एंड इक्वल होगा। ठीक है, जीरो के इक्वल, ये क्वेश्चन ले लिया। अब इसमें हम लोग कंपेयर कर दिए जनरल फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से, ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू माइनस फोर, सी का वैल्यू फोर। अब वैल्यू पुट कर दिए फॉर्मूला में, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी का वैल्यू माइनस फोर है, स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस का माइनस, फोर का फोर। ठीक है, ए का वैल्यू क्या है, वन है, और सी का वैल्यू फोर, माइनस माइनस, माइनस फोर इंटू माइनस फोर सिक्सटीन हो जाएगा, और माइनस का माइनस, फोर वन जा फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन, माइनस करे जीरो आया। तो देखो हमारा जो यहाँ डी का वैल्यू है वो जीरो के इक्वल आया है, यानी कि इसका नेचर क्या आया, रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, दो हम लोग नेचर देख लिए, अब तीसरा एक और नेचर है, नेचर ऑफ रूट, उसको भी देख लेते हैं। वेन डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अभी हम पहले हम लोग देखे जब डी से जीरो का जो वैल्यू था वो डी से ग्रेटर था, फिर एक बार हम लोग देखे इक्वल, अब देखेंगे डी का वैल्यू जीरो से छोटा होना चाहिए, मतलब इधर डी का जो वैल्यू आएगा हमारा वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए जीरो से, यानी कि नेगेटिव होगा तभी वो जीरो से छोटा हो सकता है। ठीक है, तो एक वैल्यू ले, एक क्वेश्चन ले लिया, उसमें कंपेयर कर दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्मूला से, ए का वैल्यू टू, बी का वैल्यू टू, सी का वैल्यू भी टू, फॉर्मूला लिख लिया, वैल्यू पुट कर दिए, तो बी का वैल्यू टू है माइनस फोर, ए का वैल्यू भी टू है और सी का वैल्यू भी टू है, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन में से फोर माइनस करेंगे तो माइनस ट्वेल्व आएगा, ये नेगेटिव आया है यानी कि ये जीरो से छोटा है, नेगेटिव वैल्यू हमेशा जीरो से क्या होता है, छोटा होता है, यानी कि इसका जो हमारा नेचर है वो क्या है, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, या फिर डिस्टिंक्ट को ही हम लोग अनइक्वल बोलते हैं। तो इमेजिनरी, इमेजिनरी जब लिखना है जब यहां माइनस आएगा, ठीक है, तो इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट अनइक्वल। तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ रूट, इसी से रिलेटेड हमारा चैप्टर भी है जिसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पहले देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं।